अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आयशा कॉन्सेप्ट्स। आज हम शर्ट बना रहे हैं लिनन की। जी मैम, लिनन की शर्ट में आज हम क्या क्या चीज़ अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे। उसमें एक तो गोल गला विद पाइपिंग और बटन, ठीक है। उसके अलावा लेस लगाएंगे हम, लेस साइडों पे भी और नीचे घेरे पे भी, ठीक है, बाजुओं पे भी, ठीक है। और वो भी सारा तरीका बताएंगे, उसकी कटिंग, गला कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें बाजू हम कौन से रखेंगे? सिंपल बाजू, सिंपल, आगे लेस लगेगी, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी, कटिंग से स्टार्ट करते हैं। हम अब कटिंग स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये बताएं कि ये वैसे लिनन थोड़ा फॉल भी होता है, हाँ, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टिप है या ऐसे कपड़ा होता है जो धुलने के बाद मजीद खुल जाता है, ठीक है। तो अगर तो ये आप अपने नाप से थोड़ा फिटिंग में ही रखें ना, ठीक है, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ये बाद में जैसे जैसे ये पहनते जाएंगे ये खुलता जाएगा कपड़ा, ठीक है। जैसे कॉटन सुकुड़ती है धोने के बाद में, जैसे खद्दर भी अब सुकुड़ती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा खुलता है, हाँ जी, ये खुलता है। चले, ठीक है, ये आपने फिर फिटिंग में रखना है व्यूअर्स, ये आप माइंड में रखें, ठीक है जी। हम सबसे पहले स्टार्ट तीरे से करेंगे। तीरा, ठीक है, तीरा हमारा हो गया 7.5, हाँ 7.5, टोटल हमारा 15 होगा जी। 8 पे निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। कंधे के लिए भी ठीक हो गया। और इसके बाद ठीक हो गया, यहाँ पे ही निशान आएगा, ये इसको मिला देंगे हम। वो भी 8 पे ही निशान लगाया दूसरी साइड से भी हमने, ठीक है, इसको हम मिला देंगे चौक से आपने, और इधर से आप मिला के, और फिर आप यहाँ पे इसको गोल सर्कल दे के यहाँ से आप कंधा इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया जी। ये शर्ट की आप जो है ना वो देख रहे हैं मेजरमेंट की कैसे हमने करनी है और उसकी फिर कटिंग हमने कैसे करनी है, ठीक हो गया। बाकी आप इन डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारी शुरू वाली जो वीडियोस हैं उसमें हमने डिटेल में भी बताया है कि आप कैसे करेंगे। तो ये यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है जी, यहाँ से थोड़ी सी तिरछी होती है, ये हम डिटेल में आपको बता चुके हैं पहले भी। तो सिर्फ अब जो हमारे पास शर्ट का साइज है जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होंगी जी, उसके हिसाब से हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये वाली शर्ट जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए जी? यहाँ पर चेस्ट पे हमारी फिटिंग आएगी, उसका निशान आएगा 11 पे 11, ठीक है, कि हम 22 रखते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ नीचे मैंने पहले भी बताया था कमर के निशान के लिए पहले आप 6.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारी कमर का निशान है वो 20 है ना, तो हम हाफ यहाँ पे 10 पे निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। जो हमारा टोटल जितने हमने चौक रखे, ठीक है, वो है 13, चौक पे यहाँ पे निशान आएगा 13 पे, ठीक है। और नीचे से जो हिप का हमने रखना है वो है यहाँ पे 11.5। साथ मार्जिन आपने लाजमी रखना है स्टिचिंग का ना, ये माइंड में रखिएगा, तकरीबन हाफ इंच आप एग्जैक्ट निशान लगा रहे हैं ना, ये फिटिंग का जो है ना एग्जैक्ट निशान। तो कटिंग में हम इसके साइड पे कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस निशान के ऊपर कटिंग निशान के ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी फिर ये मार्जिन जो स्टिचिंग वाला तकरीबन हाफ इंच वाला वो खत्म हो जाएगा, और ऐसे समझिए कि आपकी शर्ट हाफ इंच जो है ना वो कम हो जाएगी, बल्कि इंच कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है, ये आप देखिए। तो अब हमने क्या करना है जी मैम? अब हमने फ्रंट के हाथों की कटिंग करनी है, ठीक है, तकरीबन ये हाफ इंच, हाँ फ्रंट वाला जो आर्म होल होता है वो हाफ इंच ज़्यादा होता है, हाँ जी। यहाँ से तीरे से उतरे और ये ऐसे कटिंग करनी, सर्कल से थोड़ा सा हमने करना होता है अंदर, ठीक है। और फ्रंट सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच जो है ना उसकी ऐसे कटिंग करनी है तिरछी जी, सिर्फ फ्रंट की, उससे ये होता है कि गला पीछे की तरफ नहीं जाता, ठीक। ये कुछ टिप्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये इससे आपकी जो स्टिचिंग होती है किसी भी सूट की या किसी भी आप जो शर्ट जैसे अभी हम बना रहे हैं तो वो परफेक्ट होती है। फिर जो खूबसूरती आती है वो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिन्हें माइंड में रख के आपने ये चीज़ करनी होती है। ठीक है जी, इसकी हम कटिंग फिर आप कर रहे हैं और मुकम्मल कटिंग के बाद हम आपको दिखाते हैं। ऊपर जो तिरछी फ्रंट की कटिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं कटिंग मुकम्मल होने के। अब हम गले की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, और गले आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि वैसे गोल गला बनाना, हमने गोल गला बनाना। ठीक है, ये हमारी बंद वाली साइड है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने 3.5 पे निशान लगाना। ठीक है, और उसके बाद 6.5। ठीक हो गया, और इस तरीके से इसे हम एक लाइन को जोड़ देंगे और फिर मेरे ख्याल है कि गोल करके हम इसकी कटिंग करेंगे। कुछ इस किस्म का भी होगा, है ना? थोड़ी थोड़ी वैसे मुझे भी आ गई है ना, ये सारी ना आ गई। हाँ, ये इशू है। फिर सारी आ गई ना तो फिर मैम आपको नज़र नहीं आएगी, फिर हो सकता है कि हाँ, लेकिन वीडियो के लिए तो ज़रूरी होगा ना जी। ये हमने इसको गोल करके इसकी ये यहाँ पे चौक से निशान लगा लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और फिर कपड़े के ऊपर हम इसे चिपका करेंगे। अब हम इसकी कटिंग होगी ये इस तरीके से। आयशा कॉन्सेप्ट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। लिनन की शर्ट आप कैसे बनाएंगे, उसकी कटिंग, स्टिचिंग, और इस वक्त उसमें हम गोल गले की कटिंग हम आपको बता रहे हैं कि गोल गले की कटिंग कैसे होगी। इनसे थोड़ा सा कम पे निशान लगाएं। ठीक है, ठीक हो गया। ये हर साइड से इसको गोल करना है ना अभी, इसलिए ठीक है। ये ओके, अब हमने यहाँ पर नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाने। ठीक है, ठीक हो गया। इसको भी हम फिर मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये 1 इंच कितने पैमाइश तक हमने ये लगाया? जी वही बता रही हूँ। ठीक है, ये 7 पे होगा। 7 पे, ठीक है। और इसको हम लाइन के साथ जोड़ के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये गला, गोल गला। हाँ जी, पाइपिंग इसके ऊपर होगी और बटन भी गले पे ही हमने लगाने। हाँ जी, बटन भी गले पे लगाएंगे। ठीक है, बटन भी गले पे ही हम लगाएंगे। तो ये कुछ चीज़ आपके सामने बन के आ रही है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमेशा टाइम लेती है, अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है जब मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एक एक स्टेप खुद करके दिखाएं और सारा प्रोसीजर, ताकि आपकी समझ में आए। जब आप घर में बैठ के बनाएं तो आपके लिए इशू ना हो, किसी भी जगह आप रुके ना, आपको किसी भी जगह ये इशू ना आए कि ओहो ये चीज़ तो बताई नहीं गई थी। जी, इस तरीके से ये सामने आएगा नीचे। जी, 7 पे तो हमने निशान लगाया था ना। जी जी, उससे हमने थोड़ा ज्यादा करना है क्योंकि 7 तक तो हमारा कट आएगा। ठीक है, तो वही मार्जिन वाली बात, हमेशा मार्जिन रखते हैं जब भी हम चलते हैं। कट हो गया। अब हमने यहाँ ये नीचे करें थोड़ा सा। ये यहाँ पे क्यों निशान लगा रहे हैं हम? जी, ये दरमियान में कट होगा ना, इससे पाइपिंग लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे। अच्छा, ये जिस जो साइड बंद थी वो हम काट रहे हैं। हाँ जी, सारी काट देंगे जहाँ तक निशान लगाया हमने 7 तक। हाँ हाँ, वही वहाँ तक। ठीक है, तो ये ओपन हो गया हमारा। अच्छा, 2 साइड बन जाएगी ना। हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे आयरन के साथ। हाँ जी, कपड़ा अलग कपड़े पे, और फिर उसको जोड़ेंगे शर्ट के साथ। ठीक है, और फिर पाइपिंग लगेगी। चलिए, ये अब हम आपको कपड़े के ऊपर लगा के और कपड़े की कटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम लिनन के शर्ट के बाजू, उसकी कटिंग करेंगे और वो बताएंगे कि वो आप कैसे उसकी मेजरमेंट और कटिंग लेंगे। और ये बाजू हमारे सिंपल है जी, सिंपल बाजू में लेस लगेगी। ठीक है जी, उसको फोल्ड करने के लिए हमने तो देखिए स्टार्ट में 1 इंच का छोड़ लिया मार्जिन। ठीक है, 1 इंच के बाद हमने छोड़ दिया। ठीक हो गया। करना है हमारे बाजू होंगे 20। ठीक है, 20 तो हाफ इंच का हम लगा देंगे निशान। ठीक हो गया। तरीके से। हाफ इंच जो है ना, ये हमारा मार्जिन है हमेशा की तरह। फिर मैं उस बात पर रिपीट कर रहा हूँ, 20 हमारे बाजू हैं जी। इस तरफ से भी 3 इंच का निशान लगा के, ठीक है, और उसको हम थोड़ा सर्कल करके बाहर निकाल के और काट लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये कटिंग आ जाएगी इसकी। ये हम बाजू में इस दफ़ा शर्ट के साथ ही लगाएंगे, हाँ जी, फिटिंग में जी, ठीक है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बाजू लगाए थे, उसको क्या गोल कंधा लगाया था, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो ये आप बाजू की हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है, हाँ जी। ओके जी, अब हम आपको फिर स्टिचिंग की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टिचिंग ही हमारी स्टार्ट हो रही है, हाँ जी, गला स्टार्ट करते हैं जी। व्यूअर्स, लिनन की शर्ट की अब हम स्टिचिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और स्टिचिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो गले का होता है जी। ये फ्रंट साइड है जी, और ठीक है। अच्छा, ये हम पहले बता दें कि गला जो हमने वो पेपर पे काटा था, उसके बाद उसके साथ हमने इस तरीके से ये कपड़ा लगा दिया है, ठीक है। ऐसे आप इस्त्री से इसके ऊपर कपड़ा ऐसे चिस्पा करेंगे, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आगे दिखा दें, एंड तक जो है ना नज़र आ जाए, ताकि व्यूवर्स को आइडिया हो जाए। जो नीचे हमने आखिरी जगह बचाई थी, ये इस तरीके से इसको हमने फोल्ड किया है, ठीक है। ये बाद में जब हम लगाएंगे और दरम्यान में ये जो जगह हमने रखी है ये कट आ जाएगा, तो वो बाकी सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बस थोड़े बहुत कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ जो है मसला होता है, और थोड़ा सा आप समझते हैं कि यहाँ गाइडलाइन मिल जाए तो बड़े अच्छे से आप स्टिचिंग कर सकते हैं जी। घर बैठे भी आप आराम से अब ये शर्ट आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है जी। मैम शुरू करते हैं। ये फ्रंट साइड है शर्ट की, फ्रंट साइड है शर्ट की, फ्रंट साइड है, और ये बैक होगी, ठीक है। हमने सीधा से रख के, ठीक है, और ये गला ऐसे इसके ऊपर रख के, ये जो हमने सेंटर में एक क्रीज बनाई थी, ठीक है, और ये गले के भी ऐसे सेंटर में रख के इसके ऊपर आप लगाएं सिलाई, ठीक है। तो ये जब हम गले की सिलाई लगाएं तो वो इधर उधर ना हिले, ठीक है। ये कच्ची सिलाई इसको बोलेंगे हम, हाँ जी, ये ऐसी, ठीक है, ठीक हो गया। ये हम बाद में इसको ये खत्म भी हो जाएगी, ये तो कपड़ा कट हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। ये बस आपका गला जो है ना वो सही प्रॉपर अपनी जगह पे आए, ये उसके लिए हम लगाते हैं ये वाली सिलाई। तो इस सिलाई के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर वो हम आपको बताते हैं। दरमियान वाली सिलाई के बाद हम ये साइडों पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये पेपर के ऊपर है या पेपर के नीचे है? ये साइड साइड पे, बिल्कुल साइड पे है जी, जी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साइड पे ये, ठीक है। और ये हम एंड तक लगाएंगे, दोनों साइडों पे हम लगाएंगे ये वाली सिलाई, ये आप देख सकते हैं। और दरमियान में भी लगेगी, दरमियान में थोड़ा सा टेक्निकल सा हो जाएगा, लेकिन लगानी है। दरमियान में एक सिलाई आएगी, दरमियान में दो सिलाई आएंगी, दो आएंगी प्रॉपर जो है ना उसको हम टर्न करके लेके आएंगे, ठीक है। तो दरमियान वाली सिलाई भी हम आपको ये इस तरीके से होगी, और थोड़ा सा टेक्निकल जो यहाँ पे है वो आपने इसको जो टर्न देना है, और उसके बाद जो एंड पे नीचे वाली साइड पे आपने इसको बिल्कुल सेंटर में रखनी है, ठीक है। ये कोशिश करना है कि इधर उधर ना हो, ये ना हो कि जो कंधे की जगह पे हम गला लगा के जाते हैं। दरमियान वाली वैसे सिलाई लगाने का मकसद यही है कि हमारा गला प्रॉपर अपनी जगह पे आए। और ये आप देख सकते हैं दरमियान में जो सिलाई है वो बिल्कुल साथ साथ पेपर के साथ साथ लग रही है, और नीचे से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो अलाइनमेंट है वो हम प्रॉपर रखें उसके साथ साथ, ठीक है। ये ऊपर ही आ रही है ये हमने, और इसके बाद ये इसको फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर तो सिलाई नहीं ना आ रही, जो फोल्ड हमने किया कपड़ा फोल्ड नहीं उसके ऊपर नहीं आई। बस इस तरीके से आप इसको टर्न करेंगे और वापस सिलाई ले आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी साइड पर ये सिलाई आपकी चलती जाएगी, ठीक है। अब हम इस सिलाई को लगाने के बाद फिर आपको ये कटिंग दरमियान में से कर लिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने पहले आपको बताया था। और अब ये थोड़ा सा बताना जा रहे हैं हम, ये बिल्कुल आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ा सा आगे कीजिएगा, ये दरमियान वाली कटिंग ये वाली, हाँ ये वाली कटिंग आपने ऐसे करनी है कि आपका आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये इस तरीके से आप इस कटिंग को लेके आएंगे। ये गले की आप कटिंग कर रहे हैं, लाइनन की शर्ट जो है ना वो आप बना रहे हैं, दूसरे लफ्जों में लिनन की, ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट हम इस पे करेंगे पाइपिंग। अच्छा, थोड़ा सा आप इसको सामने कर दें, जो कैसे आपने फोल्ड किया है गले को, ये गला है हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको मज़ीद ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। आप पाइपिंग खुद भी बना सकते हैं, वो हमने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप पाइपिंग कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा जो बाज़ार से बनी बनाई पाइपिंग आपको मिलती है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम जो बाज़ार से बनी बनाई पाइपिंग होती है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। ये ऐसे लगेगी, ऐसे दूसरी तरह से। इसके लिए हमें सिंगल पैर चाहिए, ठीक है। सिंगल पैर की आप जो है ना सिलाई लगाएंगे इस पे ना, ऐसे रख के आगे थोड़ी सी करेंगे। हाँ जी, ये ऐसे रख के और ये इस तरीके से साथ साथ आपने बिल्कुल ओके। हम ये चेंज कर लें, ठीक है। और फिर हम आपको इस तरीके से आप इसकी सिलाई लगाएंगे। सिंगल पैर की जो है ना ये सिलाई है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये वाली है। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा कहीं इशू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लग के इसकी आएगी, बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है इसकी ताकि खूबसूरती रहे, ये वाली, ठीक है जी। जब आप सिलाई लग जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं गले पे जो हमने पाइपिंग की थी वो पाइपिंग की सिलाई हम लगा चुके हैं। और इस तरीके से ये सामने आई है, थोड़ी सी ऊपर उठा दें अगर तो हमें और बेहतर नज़र आ जाएगी। ये थोड़ा उस साइड को आगे कर दें जी। इस तरीके से ये पाइपिंग आपकी लग के आई है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और अब हम अंदर जो कपड़ा इतना एक्स्ट्रा था उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हमें अंदर क्या करना पड़ेगा मैडम? ये ऐसे जो हमने गला लगाया था पहले, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे फोल्ड करके और आप तरपाई कर लें, ठीक है, तरपाई कर लें। तो ये जो अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैनेज हो जाएगा। और ये थोड़े से कट लगा लें ताकि आप फोल्ड कर सकें, आसानी हो जाएगी आपके लिए, प्रॉब्लम ना हो। नहीं भी कट लगाएंगे तो मसला नहीं है, लेकिन उसमें आपको फोल्ड करने में इशू होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने अंदर वाली साइड पे जो तरपाई की थी वो है। और नेक्स्ट स्टेप मैडम हम क्या करने लगे हैं? हम ये कट बंद करेंगे, ठीक है। कट बंद करने के लिए ये कपड़ा लिया, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, ठीक है। फिर मज़ीद इसको ऐसे फोल्ड करना, ठीक हो गया। और इसको ऐसे नीचे रख के, इसकी कोई पमेश कितनी लेंगे हम, ये कोई आइडिया है? नहीं है, ये थोड़ा ले सकते हैं, मतलब उतना कि ये कवर हो सके। ये वैसे हमने लिया तो ज़्यादा, लेकिन ये बाद में हम कट कर देंगे, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए इस तरीके से आप इस, अच्छा ये पाइपिंग के बाहर वाली साइड पे सिलाई लगेगी? हाँ जी, जो पहले सिलाई लगी हुई है ना उसी के ऊपर लगेगी। अच्छा, उसी के ऊपर लगेगी, ठीक हो गया। ये लगा के हम बिल्कुल आपको अभी दिखाते हैं थोड़ी देर तक। इसको आगे मैनेज कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ये इसको ऐसे टर्न करके, ठीक है, जैसे ये है, इसको ऐसे टर्न करके इसके बिल्कुल साथ साथ ये भी ऐसी सिलाई जाएगी। चलिए आप इसको लेके चले, हम दिखाते हैं व्यूअर्स को ना। हम इधर वीडियो स्टॉप नहीं करते और ये प्रॉपर पूरा जो है प्रोसीजर है वो दिखा देते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है कहीं। आयशा कॉन्सेप्ट से आप ये वीडियो देख रही हैं और आयशा कॉन्सेप्ट्स पे आप मज़ीद भी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। आइडियाज़ मुख्तलिफ आपको मिलेंगे स्टिचिंग के हवाले से, उसके अलावा फैशन ब्रांड्स की जो लेटेस्ट कलेक्शन है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जी। ऐसे आप इसको जो है टर्न करेंगे और ये इस तरीके से आपकी साथ बिल्कुल साथ जोड़ के लगानी है। हाँ जी, ये जो पाइपिंग वाली जो दोनों पट्टियाँ हैं वो ऐसे समझे कि साथ लग जाएँ। हाँ जी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अभी इस साइड से निकल के आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और अब मुकम्मल जब हो जाता है तो फिर हम आपको फिर दोबारा दिखाते हैं। ये इस तरीके से ये सामने से हम फ्रंट साइड और बैक साइड को जोड़ देंगे और उसके बाद बैक साइड का गला जो है ना वो बनाएंगे। ये दोनों जो सीधी साइडें हैं वो अंदर वाली साइड में होंगी, ऐसे ही है जी, ठीक है। और ये इस तरीके से सिलाई सारी लग के आएगी। इन डिटेल देखना चाहते हैं आप हमारी कोई पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन उसमें हमने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं ज़रा डिटेल में। अब हम बैक साइड के गले की जो है वो कटिंग करेंगे और ये इस तरीके से बराबर होनी चाहिए फ्रंट और बैक साइड की। ये जो हमने ऊपर स्टिचिंग की है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे जी? गला हम कट करेंगे। ये है कि आप डीप भी बना सकते हैं, डीप ना भी बनाए, सबकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप रख सकते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं कट करना, ठीक है, मार्जिन रखना है जी, ये सिलाई, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बैक साइड पे हम ये कपड़ा लगाएंगे। ये हमने पहले से कट कर लिया था और ये रेब वाली पट्टी हमने कट की है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये तिरछी हमने कट की। इसकी सिलाई लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सारी इस साइड पे इस तरीके से इसकी सिलाई लगेगी। और ये सिलाई लगा के हम फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। हमने बैक साइड पे पट्टी लगा दिया गले की बैक साइड पे, और अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके इसकी हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे और ये इस तरीके से आपकी सिलाई लगेगी। बैक साइड का गला हमारा जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर पहले इसको बंद करेंगे पट्टी को, और उसके बाद बैक साइड से ऐसे ये हमारी सिलाई लगेगी, ठीक है। और ये बंद करने का मकसद ये होता है कि अंदर से वो धागा ना निकले और इस तरह करके इशू ना बने, ठीक है। ये मुकम्मल सिलाई लगा के हम फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद। जैसे ये बैक गला तैयार हो चुका है, फ्रंट पहले हम आपको दिखा चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे बाजुओं की तरफ जाएंगे। जी, बाजुओं पे लेस लगेगी, ठीक है। फिर हम इसके साथ शर्ट के साथ हमको जोड़ेंगे। चलिए, ठीक है जी। अब बाजुओं पे लेस कैसे लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम बाजू पे लेस लगाएंगे। आगे वाली साइड है, ठीक है, फ्रंट साइड ही होगी, ठीक है, फ्रंट। और ये लेस की फ्रंट, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे आमने सामने रखना है, ठीक हो गया। और लेस की जो बैक साइड होगी वो ऊपर वाली साइड पे होगी। ये इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, शुरू में हमने आपको बता दिया था जब हम बाजू की मेजरमेंट ले रहे थे, तो वो हमने इसीलिए रखा था कि जब हमने लेस लगानी है तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। हम आपको फिर दिखाते हैं इसके बाद। ये लेस की सिलाई हम लगा चुके हैं, और इसके बाद हम इसको अब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके दोबारा इसकी कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे जी, ठीक है। ये अंदर से इस तरीके से सिलाई, ये अंदर से इस तरीके से होगा। अब हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इसको डबल, वो दरअसल हमारे इस कपड़े पे आएगी तो ब्लू धागा तो उस पर बुरा लगेगा ना, ठीक है। इसलिए नीचे जो फिरकी पे धागा होता है ना, वो आप चेंज कर लें, ठीक है। ऊपर सेम रहने दें। ये मतलब आपकी रिक्वायरमेंट, आप अगर यहाँ पे वही कलर है आपके पास जो शर्ट है उसमें कलर सेम है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप कलर की वजह से, वो धागे की वजह से वो बुरा लगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये दोबारा दिखाइएगा जी। दोबारा हम इस तरीके से इसकी सिलाई लग के आ रही है, और ये ठीक है, ठीक है जी। बाजू की सिलाई लगाने के बाद, ये लेस की सिलाई लगाने के बाद, लेस को तैयार करने के बाद हम फिर बाजू को शर्ट के साथ जोड़ेंगे। अब लिनन की शर्ट की हम जो है वो बाजू अटैच करेंगे। ये हमारे कंधे की जो हमने फ्रंट और बैक जोड़ा था वो सिलाई है, ठीक है। और ये जो हमने बाजू का सेंटर लिया था, ठीक है, हमने कट के साथ निशान लगाया था, हाँ जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा जी। और ये इसके बाद हम इसे, ये कम हो रहा है लेकिन वो इशू नहीं है, हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, हाँ, वो सिलाई में आ जाएगा ना जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये हमने बस जो सेंटर है वो आपका सेंटर में आना चाहिए, हाँ जी, वो सेंटर में। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सेंटर जो है ना वो बाजू का और जो शर्ट का जो दोनों को हमने जोड़ा है वो एक ही जगह पे आना चाहिए, ठीक है। ये सिलाई लगा के हम फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये बाजू को हम साथ अटैच कर रहे हैं। अब हम शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और ये हम सबसे पहले बाजू से स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, ठीक है। बाजू से हम स्टार्ट करेंगे, और ये इस तरीके से डबल सिलाई लगाएंगे उसको पुख्ता करने के लिए। और ये इस तरीके से हमने, अच्छा बाजू की हमने ये इसमें कितनी रखी है विड्थ, वो तो अपनी मर्जी से ही रखनी है आपने। ये मतलब खुले कितने, हाँ खुले कितने हैं, हाँ जी, वो अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी मर्जी से, ठीक हो गया, चलिए। बाकी इसको अगर आप शेप वगैरह कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, वो हमारी पुरानी वीडियोस में भी है। बेल शेप देना चाहते हैं आप तो वो भी आप दे सकते हैं, नॉर्मल फिटिंग में रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके सामने इस तरीके से इसकी जो है ना ये लाइन हमने लगाई हुई है ऊपर, ये जी, ये हमने निशान लगाया हुआ है, ठीक है। उस निशान के ऊपर ही हम ये सारी सिलाई लगा रहे हैं, और इसी तरीके से आगे पूरी जो शर्ट है इसके ऊपर ही ऐसे ये सिलाई चलती रहेगी। ये कंधे की सिलाई आएगी, ये कंधे से हम इसको अब सिलाई लगाएंगे, और ये ऐसे ही आगे जो हमने तब पहले फिटिंग का कटाई के वक्त जब जो निशान लगाया था, जी, ये वही निशान है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ही आप सिलाई लगाएंगे। तो ये आप मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। अब हमने दामन पे लेस लगानी है और साइडों पे लेस लगानी है एक साथ। जी व्यूअर्स, अब हम लेस लगाएंगे साइडों पे और दामन पे। ठीक है। तो थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें कि हमने ये जो जहाँ पे हमने अपनी फिटिंग की सिलाई एंड की थी, ठीक है, ये वो वाला है। इसको ऐसे खोल के, ठीक है, मतलब ये कपड़े की सीधी साइड हो गई ना, ठीक है। इसकी हमने यहाँ से रख के, और ये लेस की सीधी साइड भी अंदर की तरफ है, ठीक है। वो पहले की तरह लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर है, हाँ जी, ठीक है। ये हमने जो जहाँ से हमारा घेरा स्टार्ट होगा, हाँ जी, साइडों पे ना जहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई एंड की है वहाँ से हमारी लेस स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। और ये हमने पूरे पे एक इस्त्री के साथ इसे कपड़े की तैवट है उसकी क्रीज सी बना ली है, तो ताकि हमारी लेस बिल्कुल इसी के ऊपर रहे और सीधी सीधी लगे, ठीक है, इधर उधर होकर टेढ़ी ना हो, ठीक है, ठीक हो गया। ये आसानी के लिए है। अच्छा, क्रीज के अलावा अगर हम लाइन लगा दें चौक से तो वो भी चल जाएगी, वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे ये है कि थोड़ा कपड़ा जो है ना वो बैठ जाता है और उसमें, और ये जल्दी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। पूरे कपड़े को आप एक दफ़ा फोल्ड करो और इस तरीके से बिठा लो, ठीक है, ठीक है जी। हम इस लेस को लगा के फिर हम आपको दिखाएंगे, और ये यहाँ से कोने से भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अभी मतलब हमारी वीडियो चलती रहेगी, ठीक है जी। वीडियो हम इसको जारी और सारी रखते हैं। आयशा कॉन्सेप्ट्स की आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आप ऐसा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है ना वो देखने को मिलें, और आप फैशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, उससे अपडेटेड रहें जी। और यहाँ से हम इसको आपने कहा था कि हम इधर यहाँ से मोड़ लेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से होगा वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर लेस लगानी है जी, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लेस लगेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लें, ओके, ठीक है। यहाँ से ये कोई ये हम दिखा देते हैं इधर से, हाँ, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल अगर हम इसको काट के वहाँ से नहीं शुरू कर दें तो वो ठीक नहीं रहेगी, नहीं वो जोड़ आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक, वो बुरा लगेगा, ये ठीक है। चलिए जी, आप मुकम्मल हम आपको फिर लगा के दिखाते हैं। ये लेस लगा चुके हैं हम, और अब हमने इस कपड़े को फोल्ड करना, जो अंदर वाली साइड थी घेरे के और साइड पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था उसको फोल्ड करके उसको हमने फाइनल करना है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी ओवरलॉक करवा लें शर्ट, वो बेहतर रहती है ना, ओवरलॉक लाजमी करवाया करें शर्ट को ना। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसे ओवरलॉक करने से ये होगा कि जो रेशमी कपड़े होते हैं उनको ओवरलॉक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सूती तो वैसे भी चल जाते हैं, लेकिन ये लीलन वगैरह के भी धागे निकलते रहते हैं। ओवरलॉक से ये है कि धागे नहीं निकलते और ज़्यादा देर चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये आप सिलाई लगाएंगे, और फाइनली इसके बाद हमारी जो शर्ट है वो तैयार होगी। लीलन की जो शर्ट है ना, ये आपके सामने हमने तैयार की है, आप इसे घर में बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। तो फाइनल जो इसकी लुक आती है वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं जी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये अंदर हमने जो सिलाई लगाई थी कपड़ा अंदर करके, ये दामन पे और साइडों पे तो ये लग चुकी है, और इसके बाद इसकी फ्रंट साइड भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इस तरीके से ये आपकी ये लेस लग गया है, ठीक है जी। अब हम लगा रहे हैं जो हमने बटन आपको कहा था, ये मोती जी, ये 3 हम लगा चुके हैं, और एक और हम इसमें लगाएंगे। खूबसूरती के लिए आपको बता देते हैं कि ये कैसे लगाने हैं आपने जी। आप ज़रा लगा के दिखाइएगा मैडम। ये 4वां हम लगा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, स्पेस अपनी जो रख सकते हैं, ऐसे ही है ना जी। अगर आपको लगता है कि कम स्पेस होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, और इसमें इसके अलावा आप कुछ और डिज़ाइन के आप ये बटन लगाना चाहते हैं। हमने तो ये टसल यूज़ किए हैं, ठीक है। टसल को भी लगाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, इसके साथ आप मोती ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा फैंसी बना सकते हैं। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो जिस बंदे ने इसे वेयर करना है, इसे यूज़ करना है, वो पसंद करता है ज़्यादा, थोड़ा इसको मतलब इस पर काम ज़्यादा हो, थोड़ा इसको फैंसी कर लें। तो छोटी मोटी जो गैदरिंग होती हैं उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसी फीमेल्स जो जॉब करती हैं तो वो ऑफिस वगैरह में, स्कूल में अगर जॉब करती हैं तो वहाँ इसे पहन सकते हैं। ये इस तरीके से इस शर्ट को हमने तैयार किया, ठीक है जी। अब मुकम्मल शर्ट तैयार होकर आपके सामने आती है थोड़ी देर तक, तो वो हम आपको दिखाते हैं। लीलन की ये शर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। आयशा कॉन्सेप्ट्स पे आप ये मेथड देख रहे थे स्टिचिंग और कटिंग का, ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर लेस भी लगाई है और ये बाजू हैं इसके, आप देख सकते हैं बाजू पे भी हमने लेस लगाई है। उसके बाद ये गला है, गले की हमने पाइपिंग की थी और हमने इसके ऊपर ये टसल्स भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आयशा कॉन्सेप्ट्स को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोस देख सकें और ब्रांड्स की जो लेटेस्ट कलेक्शन है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, स्टिचिंग के हवाले से नए आइडियाज़ आपको मिलते रहें, फैशन अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।